तो आज आप लोगों को हम बताने वाले हैं सेविंग द ड्राइंग, ठीक है। डैट मीन्स टक्स पेंट में हम लोग किसी भी ड्राइंग को सेव कैसे करते हैं, ये बताने वाले हैं। तो चलिए, तो जब भी हम लोग टक्स पेंट ओपन करते हैं, ठीक है, तो जो पहले वाला ड्राइंग जो हम लोग सेव करते हैं वही ड्राइंग ओपन होता है। जब भी हम लोग टक्स पेंट ओपन करते हैं तो पहले जो ड्राइंग, लास्ट जो ड्राइंग हम लोग सेव किए हुए होते हैं वही ड्राइंग क्या होता है, ओपन होता है, ठीक है। तो जब ओपन होता है वो ड्राइंग, तो सेव बटन पे क्लिक करने से कुछ नहीं होता है ना, क्योंकि वो पहले वाला ड्राइंग ओपन है। अब इस पर अगर कुछ हम लोग एडिट करेंगे, ठीक है ना, कुछ भी काम करेंगे उसके बाद फिर ये सेव कर सकते हैं इसको। तो मान लीजिए अभी जैसे इस पर देखिए, आप लोगों को दिखा रहे हैं हम, जूम करके देखिए, सेव पे क्लिक करें कुछ नहीं हो रहा है ना, हाईलाइट नहीं है सेव बटन। अब देखिए, ये चूंकि पहले वाला ड्राइंग खुला हुआ है, मान लीजिए इस पे हम क्या करते हैं, एक फ्लावर बना देते हैं, ठीक है। यहाँ से आते हैं, फ्लावर टूल पे आते हैं, ठीक है। चलिए हम फ्लावर टूल पे आए, अब देखिए यहाँ पे हम फ्लावर बना दिए, ठीक है, ठीक है। अब फ्लावर बना दिया, अब इसको क्या करना चाहते हैं हम, क्या करना चाहते हैं, अब इसको सेव करते हैं। तो अब इसको सेव करना चाहेंगे, देखिए यहाँ सेव बटन हाईलाइट हो गया, हाईलाइट हो गया है। अब सेव पे क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अभी सेव पे क्लिक करेंगे तो क्या आएगा आगे, देखिए सेव पे क्लिक किए। अब चूंकि पहले से ओपन वाला ड्राइंग था तो उस पर हम लोग फ्लावर बनाया था, अब पूछता है ये, यस रिप्लेस द ओल्ड वन, नो सेव अ न्यू फाइल। मतलब पूछता है कि जो पहले से ओपन किया हुआ था उसको रिप्लेस कर दे, उसके जगह पे इसको सेव कर दे, या फिर इसको एक नया फाइल सेव करें। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि नहीं, जो पहले वाला ड्राइंग था उसको रिप्लेस करके ये नया ड्राइंग में सेव कर दिए, तो पहले वाला हट जाएगा। नहीं, अगर हम लोग चाहें कि नहीं, इसको एक नया ड्राइंग के तरह से सेव करें, तो नो सेव अ न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे। तो चलिए दोनों दिखाते हैं हम आप लोगों को। देखिए, नो सेव अ न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे तो ये एक नया फाइल के जैसा सेव हो जाएगा। जैसे देखिए क्लिक किया, सेव हो गया। अब देखिए ओपन पे क्लिक करेंगे तो वो चीज़ एक नया, यही चीज़ देखिए यही है ना, नया फाइल की तरह सेव हो गया। देखिए हम आप लोगों को जूम करके दिखा रहे हैं, यही था ना, ये नया फाइल के रूप में सेव हो गया, ठीक है। अब चलिए दिखाते हैं हम आप लोगों को, यहाँ से बैक आते हैं, इसको छोटा करते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब दूसरा ऑप्शन यस रिप्लेस वाला करके दिखाते हैं। चलिए, तो इसमें देखिए ऊपर में फ्लावर नहीं था, ऊपर में हम फ्लावर बना दे रहे हैं, चार फ्लावर ऊपर में दे दिए हैं, ठीक है। अब इसको सेव करके दिखाते हैं या कुछ और बना देते हैं ताकि आप लोग को याद रहे, ठीक है। चलिए इसमें से कुछ मैजिक टूल से हम ले लेते हैं कुछ और जो आप लोग को याद रहे, रेन ले लेते हैं, ठीक है। देखिए ये रेन ले लिया है, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं, तो सेव किए, अब ऊपर वाला पे क्या करते हैं, यस रिप्लेस द ओल्ड वन, इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो जो पुराना था वो रिप्लेस हो जाएगा और ये आ जाएगा उसके जगह पे। देखिए हम आप लोगों को दिखाते हैं, देखिए ओपन पे क्लिक करेंगे, देखिए अब जूम करके दिखाते हैं, देखिए पहले वाला जो था जिसमें फ्लावर वगैरह बना हुआ था यहीं पर था ना, वो हट गया। अब इसमें क्या आ गया, इसमें वो फ्लावर वगैरह तो सब है और जो रेन ऐड किए थे नया है ना, वो इसमें आ गया था, यानी वो उसको रिप्लेस कर दिया, उसको हटा दिया और ये उसके जगह पे आ गया। तो यही होता है यस रिप्लेस द ओल्ड वन पे क्लिक करने से, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अगर हम लोग चाहते हैं कि ऐसा ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट सेव पे क्लिक करें सेव हो जाए, तो उसके लिए न्यू पे जाएंगे और कोई न्यू फाइल ले लेंगे, है ना। डबल क्लिक करके न्यू फाइल ले लिया। अब इस पर हम लोग क्या बनाते हैं, मान लीजिए इस पे फ्लावर बना देते हैं हम लोग, ठीक है। फ्लावर से पहले यहाँ पे हम लोग मिट्टी बना देते हैं, तो चलिए इसके लिए हम ब्रश टूल पे आते हैं और मिट्टी बनाते हैं, देखिए यहाँ पे, ठीक है। फिल टूल से लेते हैं,
कंट्रोल जीत करते हैं, पूरा फिल हो गया है। अच्छा ये थोड़ा सा ब्लैंक रह गया था इसीलिए, हो गया। अब फिल टूल पे आते हैं, कलर सेलेक्ट है, आ गया। अब फ्लावर टूल हम लोग लेते हैं, मैजिक टूल पे आकर फ्लावर टूल लेते हैं, अब फ्लावर बना देते हैं। ठीक है ठीक है। अब ये चूंकि नया फाइल हम लोग लेकर के बनाए हैं, तो आप सेव पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट सेव हो जाएगा। यस रिप्लेस द ओल्ड वन और सेव अ न्यू फाइल, ऐसा कुछ नहीं आएगा। देखिए डायरेक्ट सेव हो गया है ना। अब अगर इसको हम लोग देखेंगे ओपन करके, तो एक नया फाइल की जगह सेव हो गया, देखिए है ना, सेव हो गया ना। इसमें वैसा कुछ नहीं पूछा। अब अगर हम लोग यहाँ से डायरेक्ट इसको क्लोज करना चाहेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ इतना पूछेगा कि डू यू रियली वॉन्ट टू क्विट, क्या आप सच में इसको क्लोज करना चाहते हैं, तो यस आई एम डन पे क्लिक कर दीजिएगा तो ये क्लोज हो जाएगा। हो गया, तो यही था।